गाइस, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज हम लोग एक सीक्रेट बेस बनाएं जिसमें हमारी जरूरत की सारी चीजें होंगी और ये बेस बहुत ज्यादा बड़ा भी होगा। और अब हम लोग इतने महंगे बेस को बनाएंगे तो उसके लिए हमें सामान भी बहुत सारा चाहिए होगा। इसीलिए तो आज हम क्रिएटिव का यूज करने वाले हैं, क्योंकि भाई सर्वाइवल में सीक्रेट बेस के लिए इतना सामान इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले अपने को सीक्रेट बेस का गेट बनाने के लिए यहाँ के ब्लॉक्स को ऐसे जल्दी जल्दी से गायब कर देना है, और इसके बाद अपने को यहाँ पर दो स्टिकी पिस्टन लगाने हैं, फिर इसके पीछे यहाँ यहाँ और यहाँ पर रेडस्टोन और यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लग गई, फिर से यहाँ पर रेडस्टोन और इसी के साथ बिल्कुल ऐसे ही इसे लगा देना। गाइस, तुम लोग इस मशीन को बनाते वक्त थोड़ी सी भी गलती मत करना, नहीं तो ये कुछ उल्टे फुलटे काम करने लगेगी, फिर तुम्हें लगेगा कि मैंने गलत बताया है। इसीलिए ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, और मैं होपर को लेकर यहाँ लगा दे रहा हूँ। अगेन दोबारा से अपने को इस होपर के ऊपर एक और होपर को लगा देना है, और इस वाले होपर के ऊपर रखना है रेल की पटरी को, और इस रेल की पटरी के ऊपर होपर वाला माइनकार्ट। ओके यार, अब अपनी मशीन ना पूरी तरह बन चुकी है। ये काम कैसे करेगी देखो, इस होपर में हम लोग कुछ भी डालते हैं तो ये स्टिकी पिस्टन काम करना बंद कर देगा, लेकिन हम होपर से सामान को निकालते हैं तो दोबारा से ये पिस्टन काम करने लगेगा। इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम लोग अपने सीक्रेट बेस के सीक्रेट गेट को बनाने के लिए, और इससे पहले कि इसे कोई देख ले उससे पहले अपने को चारों तरफ से इसे छुपा देना है। और गाइस, जो हमने होपर वाला माइनकार्ट लगाया था उसके ऊपर वाले ग्रास ब्लॉक पर मैं एक छोटा सा फ्लावर भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो भाई कि मैं ही अपना सीक्रेट बेस ना ढूंढ पाऊँ। और अपने को इस सीक्रेट बेस का गेट खोलने के लिए इस फ्लावर के ऊपर कोई भी सामान फेंकना होगा बिल्कुल ऐसे, फिर अपना सीक्रेट बेस ओपन हो जाएगा। और गाइस, हम लोग ना अपने इस सीक्रेट बेस को बहुत मस्त सा बनाने वाले हैं, और इस बेस में हम लोग एंट्री तो एक तरफ से करेंगे लेकिन निकलेंगे और कई जगह से। और ये गेट को बंद करने के लिए हम लोग होपर में से सामान को निकाल लेंगे तो ये वाला गेट ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ग्लास डोर बनाने वाला हूँ जो अपने बेस में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। गाइज, यहाँ के 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक्स हटाकर पीछे रेड स्टोन टॉर्च लग गई, और इसके आगे दो स्टिकी पिस्टन बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम लोगों को कर लेना है। फिर ये सब के बाद आगे के इतने ब्लॉक्स को हटा देना है, फिर अब पिस्टन के नीचे वाले 1, 2, 3 ब्लॉक्स तोड़कर दूसरी साइड भी ऐसे ही, उसके बाद रेड स्टोन डस्ट को हाथ में लेकर हम दोनों साइड से लाकर ऐसे ही सबको एक दूसरे में मिला देना है। फिर अब क्या है गाइस, अपने को इसे कवर करके दोनों साइड प्रेशर प्लेट लगाकर बीच में ग्लास लगा देंगे। बन गया हमारा ऑटोमेटिक ग्लास डोर। वैसे इस डोर का कोई खास यूज तो है नहीं, बस अच्छा लगने के लिए बनाया है मैंने इसको। और गाइस, अभी तो अपने को बहुत सारा काम करना है, इतना काम करना है कि ये सारे ब्लॉक्स को तोड़कर एक बड़ा सा हॉल बनाकर उसे डेकोरेट भी करना होगा। तो मैं ये सारा काम कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? तो गाइज, इस काम को करने में सच्ची में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पर काम तो यार बहुत अच्छा हुआ है। मैं दिखाता हूँ तुमको, पहले मैं इस डोर को बंद कर दूँ। हाँ तो गाइज, मैं क्या कह रहा था, सब कुछ कितना सही लग रहा है। ऊपर डार्क वुड है, नीचे लाइट वुड है, और हाँ मैंने इतनी सारी लालटेन भी लगा दी है ताकि पूरा हॉल रोशनी से भर जाए। और हाँ, अभी तो अपने को एक सीक्रेट रूम भी बनाना है, क्योंकि सीक्रेट बेस के अंदर एक सीक्रेट रूम का होना बहुत जरूरी होता है गाइज, जिसमें हम लोग अपनी महंगी महंगी चीजें रख सके। और इसे बनाने के लिए मैंने इन सभी ब्लॉक्स को हटा दिया है ताकि यहाँ पर हम लोग एक रेडस्टोन टॉर्च को लगाकर इसके आगे दो स्टिकी पिस्टन लगा सके यहाँ पे, और यहाँ पे रेडस्टोन डाल देनी है, और मुझे यहाँ इस जगह पर इसे लगा देना है बिल्कुल ऐसे ही। और अपने पास एक फ्रेम और क्लॉक भी होनी चाहिए जिसको हम लोग यहाँ इस दीवार पे लगा देंगे। अब तुम ये देखो यार, इसको घुमाते ही सीढ़ी पीछे चली गई, और यहाँ इस जगह पर हम लोग एक सीक्रेट रूम बना देंगे। इसको हम इस तरह बंद भी कर सकते हैं। तो गाइज, अभी ना मैं नीचे जा रहा हूँ सीक्रेट रूम बनाने, और यार अभी तो हमारा रूम काफी अच्छा बन गया है, तुमको दिख भी रहा होगा। और ये इतनी जगह खाली क्यों छोड़िए बताता हूँ, ये भी एक सीक्रेट है जो केवल हमें ही पता होगा। यहाँ के ब्लॉक्स को हटाकर वहां चेस्ट रख देना है, और दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर दोनों चेस्ट के अंदर हम लोगों को भर भर के पोशन और फायर रेजिस्टेंस डाल देना है।
अब हम लोग बाल्टी भर के लावा लेंगे और साइड में ऐसे दीवारों पर डाल देंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ही डाल देंगे लावा को। आज तो सब जगह लावा ही लावा फैला दूंगा, देखने में भी कितना सही लग रहा है ना, और हमारा चेस्ट भी छुप गया। जैसे कि जब मुझे उस तरफ जाना होगा तो मुझे ही पता है नीचे चेस्ट रखी हुई है और उस चेस्ट में फायर रेजिस्टेंस का पोशन है, जिसको पीने के बाद मैं लावा से होता हुआ बिना किसी डैमेज के उस तरफ पहुंच जाऊंगा और यहां से केवल मैं ही अपनी महंगी चीज़ों को ले सकता। लेकिन यार अभी चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, सारी खाली है, बस तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने इन्हें ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी हम लोग यहाँ पर अपना एक फूड सेंटर भी बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई हम लोग बहुत बड़े भुक्कड़ हैं जिनको हमेशा भूख लग जाती है कभी भी। तो जो अभी हम बनाने वाले हैं ना, इसमें एक बटन दबाने से अपने को फूड जल्दी से मिल जाएगा। वो कैसे गाइज, ये देखो, हमें 3 डिस्पेंसर को ऐसे दीवार पर चिपका देना है और इनका मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। फिर नीचे टेबल बनाने के लिए हम लोग आयरन ब्लॉक का यूज करेंगे। फिर इसके बाद ऐसे ही शो के लिए साइड साइड में हम लोग इस साइन बोर्ड को लगा देंगे बिल्कुल ऐसे। अब बीच वाले डिस्पेंसर पर यहाँ बटन लगाकर सभी डिस्पेंसर के अंदर खूब सारा फूड डाल देना होगा। फिर जैसे कहीं से भी घूम घाम कर मैं अपने सीक्रेट बेस में आऊँगा और बहुत तेज भूख लगी होगी, तो सिर्फ अपने को एक बटन दबाने से अपने आगे ढेर सारा फूड आ जाएगा, जिसको हम लोग खाकर अपना पेट फुल कर लेंगे। और गाइज, दोबारा से फुल पावर के साथ काम करने के लिए रेडी हो गया हूँ मैं। तुमको लग रहा होगा कि मैं इस जगह को ऐसे ही खाली छोड़ देने वाला हूँ। नो ब्रो, नो। अभी तो मुझे इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाना है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस एरिया को खूबसूरत करने में बहुत मेहनत लग गई गाइस, तो पहले मैं ये कर लूँ फिर दिखाता हूँ तुम सभी को क्या बनाया है मैंने। यार सच कह रहा हूँ, मुझे तो ये बेस पहले से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है पता नहीं। यहाँ इधर की वॉल पर मैंने 2 पेंटिंग लगाई हुई है और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमें मिल जाएगा फूड सेंटर, और यहाँ पर फर्नेस वगैरह रखा हुआ है, और बाकी ये दोनों डिजाइन भी इस सीक्रेट बेस में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब ये सब के बाद एक प्यारी सी दीवार को पार करने के बाद एक छोटा सा बेडरूम है, जिसमें डबल बेड है, क्राफ्टिंग टेबल है, एक चेस्ट है और थोड़ी सी हरियाली भी है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है सब कुछ। गाइज, मैं यहाँ इस जगह पर एक मस्त सा चीज बनाने जा रहा हूँ, जिसको तुम सबने अपनी माइनक्राफ्ट की जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने खुद नहीं देखा है, आज देखूंगा, पहली बार बना रहा हूं मैं। तो अब गाइज, उस कोने में 2 डिस्पेंसर लगाकर इस कोने में भी 2 डिस्पेंसर को लगा देना है, ठीक है गाइज। अब 2 डिस्पेंसर लगाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ रेडस्टोन डस्ट हो गया, बहुत ही सिंपल है यार ये। इस डिस्पेंसर पर एक बटन फिक्स कर देना होगा, फिर अब इन 4 डिस्पेंसर में हम 4 अलग अलग आर्मर डाल देंगे। एक में शूज हो गया, एक में पैंट, एक में टी शर्ट हो गया और एक में मेरा हेलमेट। लेकिन यार ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी चीज को छुपाने के लिए हम लोग अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले 2 गेट लाए हैं, जिसको यहां पर लगा देंगे। अब जब कभी भी मुझे जल्दी से आर्मर को पहनना होगा तो बस मैं यहां पर आऊंगा, एक बटन प्रेस करूंगा, फिर ना मैं फटाक से सारे आर्मर ऑटोमेटिक ही पहन लूंगा। और गाइज, अभी अभी मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है कि हमें एक सीक्रेट एग्जिट डोर तो बनाना ही है, क्यों ना हम लोग इन गेट के पीछे सीक्रेट बाहर निकलने का रास्ता ना बना दे। जैसे देखो, यहां पर हमारा फ्रेंड या और कोई आता है तो उसे केवल ऑटो आर्मर मशीन का ही पता चलेगा, लेकिन अगर मैं यहां आऊंगा तो मुझे पता होगा कि इस गेट को बंद करने के बाद यहां पर एक सीक्रेट रास्ता है जहां से मैं इस बेस से बाहर जा सकता हूं। और ये जो खुली हुई जगह दिख रही है ना, इसे भी मैं छुपा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये जो खुली हुई जगह दिख रही है ना यार, उसे भी मैंने ट्रैप डोर से छुपा दिया है, वैसे दिखने में भी काफी अच्छा ही लग रहा है। फिर इस गेट को बंद करने के बाद हम लोग यहां ये वाले खुफिया जगह में आ जाएंगे, जहां पर बाहर जाने के लिए एक सीढ़ी भी है। और फाइनली जाकर मैं इस जगह निकलूंगा जो कि बहुत ऊंचे पर है, जहां से हम लोग दूर दूर तक के नजारे भी देख सकते हैं। अभी इसे भी छुपाना पड़ेगा, जिसे छुपाने के लिए कुछ ब्लॉक्स को तोड़ना पड़ेगा, फिर रेडस्टोन टॉर्च को लगाकर नीचे बटन और ऊपर स्टिकी पिस्टन को लगाकर ग्रास को पिस्टन पे लगाने के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा गाइस। जैसे कि हमें जब बाहर निकलना होगा ना गाइस, तब इस बटन को दबाने से ये कुछ देर के लिए खुलेगा, तो उतने ही टाइम में हम बाहर निकल जाएंगे और ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि मैं कहां से आया था। और मुझे ये भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू गाइज, और भी ज़्यादा ऐसे ही थैंक यू पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब।